मुझे तुम्हारी डील मंजूर है, तुम मुझे जेल से रिहा करवाओ और मैं तुम्हें खुशी खुशी तलाक दे दूंगा। राहुल, तुमने सोचने में बहुत समय ले लिया, अब तो ये डील वैलिड रही नहीं। एक्चुअली मैं तो तुम्हारे साथ एक खुशखबरी शेयर करने आई थी, शायद मैं बताना भूल गई, नरेन और पूजा का डिवोर्स हो रहा है। और नरेन का रवैया देखकर लगता है कि इस बार मेरी सारी मुसीबत अपने बैग्स पैक करके इस घर से चली गई है। सो नरेन बाबू, मेरे लिए जगह बनाना शुरू कर दी अपने दिल में भी और अपने कमरे में भी। ओ हेलो, कौन से सपने में हो भाई? बेटा, डिवोर्स नरेन और पूजा का हुआ है, तुम अभी भी मेरी ही बीवी हो लीगली, और इस पतिदेव के होते हुए दूसरा पतिदेव तो मिलने से रहा, और जब तक ये पतिदेव इस जेल में सड़ता रहेगा डिवोर्स के पेपर्स पर भी साइन करने से रहा। सो यू डू द मैथ, स्मार्ट हो तुम। मैं जानती हूँ राहुल का तुम बहुत अड़ियल हो, लेकिन अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे खिलाफ डिवोर्स केस फाइल कर सकती हूँ। और एक बेचारी लड़की जिसका पति मुजरिम हो, कोर्ट भी उसी के पक्ष में फैसला लेगी, राइट? सो पतिदेव, सोच लो, ऑलरेडी इतने सारे केसेस में फंसे हुए हो, एक और फंदा अपने गले में क्यों लेना? चतुर हो तुम, चतुर। कोई बात नहीं, जब इतने केसेस के बोझ में डूबा हुआ तो एक बीवी का केस और ढो लेते। चलो अब उठो एंड गेट गो, अब मैं भी देखूं तुम मुझसे तलाक कैसे ले। जितने केसेस करना है कर लो। फाइन, ध्यान रखना अगली बार बुलाओगे तो भी नहीं आऊंगी। एंड यस, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि फूफा जी तुम्हारी हेल्प करेंगे तो लेट मी टेल यू वन थिंग माय डियर हस्बैंड, कि तुम्हारे फूफा जी ने एज यूजुअल अपनी पार्टी बदल ली है। सो हैव फन। आई होप अब नरेन का मूड ठीक हो गया होगा, एक बार माँ से पूछ लेती हूँ। इस वक्त तो ऋषिकेश में 11 बज रहे होंगे।